नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आइल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कइल जाए। साल के पहला सूर्य ग्रहण आजू रात होखे वाला बा। सूर्य ग्रहण के एगो महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानल जाला। ज्योतिष में भी एकर खास महत्व बा काहे कि सूर्य के आत्मा के कारक मानल जाला। ऐसे जब भी सूर्य से जुड़ल कवनो गति होला तो ओकर सीधा असर पृथ्वी पर मौजूद जीव पर पड़ेला। ऐसना में वैज्ञानिक ही ना बलुक ज्योतिषी लोग भी सूर्य ग्रहण के लेके सतर्क रहेला। साल के पहला सूर्य ग्रहण मीन आ रेवती नक्षत्र में होखे वाला बा। ई सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण हुई। मूल रूप से ई सूर्य ग्रहण खाली पश्चिमी यूरोप, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देबे। मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू सरकार के मंत्रियन के भारत विरोधी रुख कवनो नया बात निखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कैला के बाद निलंबित मंत्री मरियम शिवना एक बेर फेर भारत के लेखे विवादित काम कैले बाड़ी। मालदीव के युवा सशक्तिकरण उपमंत्री शिवना सोशल मीडिया पे एगो पोस्ट कैले रहली, जवना में उनका के कथित तौर पर भारतीय तिरंगा के अपमान करत देखल गईल। एकरा चलते भारतीय लोग सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखवले, जवना के बाद शिवना के अब माफी मांगे के पड़ल बा। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेल्लारी में पुलिस 5.5 करोड़ रुपया से ज्यादा नकद, 3 किलो सोना, 103 किलो गहना, अवुरी 68 टुकड़ा चांदी के सलाख जब्त कर ले बिया। पुलिस बेल्लारी के ब्रूस टाउन में छापामारी कैले रहे। ई पैसा कंबली बाजार के हेमा ज्वेलर्स के मालिक नरेश के घर से मिलल बा। अवुरी आरोपी नरेश के हिरासत में लेके आगे के पूछताछ कैल जाता। बेल्लारी के एसपी रंजीत कुमार बंडारू के मुताबिक ई पैसा नरेश सोनी के हक कुल 5.60 करोड़ रुपया नकद, 68 चांदी के सलाख, 103 किलो चांदी के गहना, अवुरी 3 किलो सोना जब्त कैल गईल बा। पुलिस के कहनाम बा कि हमनी के एकरा से जुड़ल कवनो वैध दस्तावेज नइखे मिलल। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद भी बहुत बड़ नेता लोग के गाजीपुर आवे के प्रक्रिया जारी बा। एह कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रविवार के गाजीपुर पहुंचले। अवुरी ए दौरान उ अंसारी परिवार के घर फाटक के भी दौरा कैले, अवुरी ओ लोग के परिवार के लोग से मुलाकात कैले। मुख्तार अंसारी के आवाज पगैला के बाद अखिलेश यादव कहले कि जवन छवि पेश कैल गईल बा उ असली नइखे, उनका निधन पर भारी संख्या में लोग जुट गईले। का हमनी के नइखी देख सकत कि ओ लोग के संगे भेदभाव भइल। हम देख सकत बाणी कि भाजपा सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या के आरोप लगावल जाता। अब हम सरकार के ओकर मौत के दोषी ठहरावत बानी, एहमे का गलती बा। दिल्ली शराब नीति से जुड़ल कथित घोटाला के मामला में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पूछताछ खाती ईडी कार्यालय पहुंचले। यही मामला में सीएम केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से भी पूछताछ हो रहल बा। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से विधायक हुए आ साल 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी बनला का बाद से पार्टी से जुड़ल बाड़न। दुर्गेश पाठक के ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी कहलस कि भाजपा आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार से रोके के साजिश रच दिया। मंत्री आतिशी ईडी अवुरी भाजपा के बीच राजनीतिक गठबंधन के आरोप लगवले। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे, जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल है फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।